Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Palworld. तो नए पोकेमोन्स को पकड़ने के लिए आज मुझे वहाँ पे जाना है और अपनी बॉस पोकेमोन की टीम बना के जाना है. Alright guys, welcome back to my Palworld. भाई क्या है ब्यूटीफुल नजारे यार इस दुनिया के, मतलब तुम एक बार देखो क्या प्यारा व्यू आता है यार अपने बेस से. खैर वो सब ठीक है, नजारे वजारे लेते रहेंगे. मैं आप लोग को कुछ नई नई चीजें दिखाता हूँ जो मैंने ऑफ स्ट्रीम ग्राइंड करी है. ये देखो, सबसे पहले मैंने बनाया एक एग इंक्यूबेटर. तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि मुझे पोकेमोन के एग्स तो हमेशा मिलते ही रहते हैं, बट उन एग में से पोकेमोन को बाहर निकालने के लिए मुझे ये बनाना पड़ा. तो इसमें एक टाइम प्रोसेस लगता है 6-7 मिनट का, जो कि अभी कंप्लीट हो चुका है. और अब इसमें से पोकेमोन बाहर आएगा और मुझे कोई बर्ड मिला है. ओके गाइस, तो जो मुझे न्यू पोकेमोन मिला है उसे मैंने इन्वेंटरी में ले लिया और वो कुछ दिखता है ऐसा. ओ भाई, ये तो सच में कोई चील जैसा है. काम पे लग गया वो जाते ही. काफी अच्छा पोकेमोन है भाई, मजदूरी वजदूरी कर रहा है यहाँ पर, दाना डालने आ गया. ठीक है, इसको वापस ले लेते हैं. अभी मेरे पास एक एग और है तो मैं उस एग को भी इसके अंदर लगा देता हूँ. ये है रॉकी एग. इसमें से कोई रॉकी पोकेमोन निकलेगा क्या? चलो, तो इसको मैंने एग इनक्यूबेटर में डाल दिया है और इसमें भी 10 मिनट का टाइम लगेगा और इसमें से एक पोकेमोन बाहर आएगा. बाय द वे गाइस, लास्ट टाइम ना मैंने बहुत सारी नई चीजें क्राफ्ट करी है. सबसे पहले तो ये है एक हाई क्वालिटी वर्क बेंच. जैसे छोटा वाला वर्क बेंच है वैसे ये हाई क्वालिटी का वर्क बेंच है. और एक चीज तो तुमने नोटिस करी ली होगी, ये मेरी नई आउटफिट. वैसे सिर्फ आउटफिट नहीं है, ये एक बहुत खतरनाक आर्मर भी है. तो चलो मैं एक नया पोकेमोन भी दिखाता हूँ आपको जो मैंने पकड़ा था. कहाँ चला गया? ये रहा, मरा हुआ है, 12 सेकंड में जिंदा होने वाला है. तो ये है अपनी टीम का नया मेंबर जो कि एक बॉस पोकेमोन है. सॉरी, ये नहीं है, पुराना ही है, बाहर आ जा. ये रहा, इसका नाम है रिलैक्सोरस. ये देखो भाई कैसे बच्चों की तरह चलता है यार, ये बॉस लग रहा है कहीं से. ये देखो, ओ मेरे भाई किसको मार रहा है? उल्लू मार दिया भाई इसने. चलो कोई बात नहीं, ठीक है. ये पौधे वो में पानी वानी डालने का काम करते रहता है एकदम बढ़िया तरीके से. मैं सही बता रहा हूँ भाई, इस गेम से मुझे इतना ज्यादा प्यार हो चुका है ना. देख रहे हो, मैं पूरे टाइम अपने एक एक पोकेमोन का ध्यान रख रहा हूँ. इनके सोने के लिए मैंने यहाँ पर देख रहा हूँ कितने सारे बेड बनाए हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. और मेरा अंदर एक ये बेड अंदर भी लगा है. देखो मुझे अपने पोकेमोन का ध्यान रखना ही पड़ेगा ना. पूरे टाइम बेचारे मेरे बेस पे काम करते रहते हैं, कोई लकड़ी तोड़ रहा है, कोई लकड़ी उठा के डब्बे में रख कर आ रहा है. वैसे यार जो भी कहा, पागल आदमी. मैंने भेजा अपने रॉबिन क्विल को, देखते हैं कैसे मारता है इसे. उतरी भाई, तुमने देखा ये चीज? ये देखी ना तुमने क्या हुआ है? ये भी वो ऑलरेडी इतना डेंजरस पोकेमोन है, ये कैसे मारता है ये देखना. ये भेजा, ये फेंकता है एक बम, पड़ा खत्म. भाई ये राजा लेवल है, राजा लेवल. मैं जा रहा हूँ बॉस फाइट करने. कॉन्फिडेंस ही आ गया भाई, भर के 1-2 किलो. तो फाइट करने के लिए ना देखो अपने पास यहाँ पे एक पोकेमोन है, तो इधर चलते हैं फास्ट ट्रेवल करके. भाई जिस हिसाब से इसने मारा है ना इसको, भाई मुझे डर लग गया यार. देखो एक बार नाइट विंग पे मैं बैठता हूँ. अरे नाइट मेरे भाई, अरे जाना, दिमाग मत खराब कर, पिट पिटा जाएगा अभी. ओए बदतमीजी कर रहा है, इसको बताते हैं अभी. आओ, वे इसने आग लगा दी भाई इसमें. रुक रुक रुक, जब मैं उतरता हूँ से. अच्छा अंदर आ. बाकी आ गए, जब आपने इसकी फाइट देख ही ली थी तो एक और बार देखने का मन जरूर कर रहा होगा, तो क्यों ना दिखाई जाए. जा भाई, अभी देखने कैसे मारेगा इसे. ये गया, तीर मारा इसने भाई, आधी हल सीधा. एक अंडा मिल चुका है मुझको. ये फेंका इसने बम, और देखना अभी क्या होगा. ओह, मुझे क्या मार रहे हैं बेटा? पिटेगा तू अभी इससे. चलो बाय बाय, खत्म. भाई दोनों को तो सेकंड्स में मार रहा है यार ये. सेकंड भी बोलना उसके लिए बेइज्जती है, मतलब वो उड़ा दे रहा है भाई. अबे एक तो नाइट विंग को मैं बुलाता हूँ, लड़ने पहले जाता है. इधर अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीधा फास्ट ट्रेवल पे, और वहां से हम लोग जाने वाले एक बॉस पोकेमोन से फाइट लेने के लिए. मैं सही बता रहा हूँ भाई, अभी किसी पोकेमोन से डर नहीं लग रहा मुझे. और तुम मानोगे नहीं, इस पोकेमोन को मैंने बहुत ही लकीली कैप्चर करा. मुझे नहीं लग रहा भाई मैं इसे इतनी आसानी से मार पाता. चलो तो ये है अपना एरिया नए जगह पे जाने का, यहाँ से फास्ट ट्रेवल करते हैं हम लोग. अब मुझे बॉस फाइट कहाँ पे लेनी है? यहाँ पे भी एक बॉस पोकेमोन है पेनकिंग. एक ये बॉस पोकेमोन है, एक ये है कैट्रेस, और यहाँ पर एक एजीरोब. वैसे देखा जाए तो भी सबसे ज्यादा जो वीक पोकेमोन है वो है पेनकिंग और एजीरोब. तो क्यों ना एजीरोब से लड़ने चला जाए. तो अभी मैं बैठता हूँ नाइट विंग पे सीधा, क्योंकि एजीरोब शायद से सामने की तरफ में है कहीं, और ये वाली साइड पर मैं अभी तक नहीं गया हूँ भाई. ये कोई नया एरिया है. मेरे पास टोर्नेडो अटैक भी अनलॉक हो चुका है, कुछ ऐसा है वो. ये देखो, ये टोर्नेडो गया. ओ भाई, तगड़ी तगड़ी चीज. ये कौन है? ये क्या? अबे एजीरोब यही है. हाय एजीरोब, ये ले एक थप्पड़ का मेरे से. अरे गलत मार दिया, गलत 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 गलत. एजीरोब को मैं शायद से मार सकता हूँ, बट यार पानी वाले पोकेमोन से फाइट करने के लिए मेरे हिसाब से मैं नाइट विंग को सही नहीं लाया हूँ. उड़ने वाला पोकेमोन पानी वाले से कैसे लड़ सकता है? रुक जाओ, ये गया इसके ऊपर. अबे एक तो निशाना खराब हो रखा है, गुस्से में आ गया. ओए तेरी ऐसी की तैसी, इसको बताइए जरा. बढ़िया, मार इसको, वापस आ जा. बबल्स फेंक रहा है भाई ये.
भाई देखो मुझे लग तो रहा है हम लोग इसे मार देंगे, बट मुझे अपने आप को संभाल के रखना है और अपने पोकेमोन्स को भी। ओ अटैक तो बहुत खतरनाक कर रहा है भाई, ऐसी बात नहीं है। वापिस आ वापिस आ, जाटो ओ इसको भेजा, ये भी सही है। भाई मैं तैर क्यों रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा ऐसे। मैंने गलत फाइट ले ली इससे, पानी के अंदर है यार ये, बहुत वैसे मरने वाला है देखा जाता। अरे मुझे मार देगा पता है ये, मैं इसको मार दूंगा बट ये मुझे मार डालेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे चाहिए एक बढ़िया कवर और बहुत सारा खाना। भाई ये तड़पा तड़पा के मार रहा है। वापिस आ, कैप्चर हो जा प्लीज, कैप्चर हो जा, कैप्चर हो जा, इसको हमने कैप्चर कर लिया, मार दिया भाई, इजी बॉस फर्स्ट किल, लेट्स गो। हमने उसको भी कैप्चर कर लिया भाई, पानी का एक बॉस पोकेमोन अपने पास आ चुका है। यार देखो मैं सही बताऊं, बहुत तगड़ी गैंग हो चुकी है अभी अपनी। मेरा मैं मानता हूं नाइट विंग मारा गया, क्योंकि मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था ये पोकेमोन इतना खतरनाक हो सकता है। बट जो भी हो भाई, अपने पोकेमोन ने सही लपेटा है ना। ये क्या घूम रहा है यहाँ पे छोटा सा, जाइए उसको बताइए जरा क्या सीन है अपना। अबे वो बेचारा तैर के बाहर जा रहा है। आजा सॉरी सॉरी, पानी वाला पोकेमोन नहीं है यार, मैं भी क्या कर रहा हूँ पता। बीच में पानी गहरा होगा था, मुझे तो लग रहा था मैं मरूंगा पक्का, बहुत गंदा। यहाँ से मारेगा तो उसको, ट्राई कर मार दे उसको, बोरा जा। तो जहां जहां पर ये ब्लू पानी ऐसा है वहां जमीन है, ये वाले पे मैं चल नहीं पाऊंगा। बढ़िया, मारना तो चालू कर दिया, इसे कैप्चर कर लूंगा मैं। बस 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 बस, अरे क्या जान लेगा क्या बच्चे की। आ जा जा वापिस आ, रुक जा टॉम, हल्का सा मार उसे। अरे पूरा मार दिया पागल आदमी, इधर आजा भाई। मजा आ गया आज भाई इस पानी वाले पोकेमोन से फाइट करके, तो पता भी नहीं चला बॉस फाइट क्यों खत्म कर दिया हमने। खैर वो सब तो ठीक है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में मुझे बहुत सारे अजीबोगरीब नए नए एरिया दिख रहे। देखो कैसे धुआं निकल रहा है। इस एरिया का मतलब है यहाँ पर कोई ना कोई पोकेमोन कैप्चर हो रखा है। अगर मैं वहां पे जाता हूँ तो मुझे एक न्यू पोकेमोन मिलेगा, बट मुझे वहां के जो रक्षा कहना है उस जगह के, उनसे फाइट करनी पड़ेगी। बट मैं क्या लड़ू भाई, मेरे पास देख रहे हो क्या क्या लोग हैं। रॉबिन क्विल नाम से ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी ज्यादा बुरी तरह मारेगा इन लोग को। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि पहले टॉम मेरा फेवरेट था बट अब रॉबिन क्विल होने वाला है। तो लेट्स गो रॉबिन क्विल, तू इनसे मस्त लड़, मैं जाके पोकेमोन को छुड़वा लेता हूँ। पता नहीं कौन सा पोकेमोन, अरे फडलर है क्या ये, कौन है भाई, कोई तो रोता हुआ सा पोकेमोन है, बहुत ज्यादा ही रो रहा है ये फडलर है यार, इसको छुड़ा के मैं क्या करूंगा। बट ठीक है अभी आया तो छुड़ा लेते हैं, आजा लेट्स गो। भाई थोड़ी देर में रात होने वाली है बट रॉबिन बचा यार, क्या कर रहा है, मार रहे हैं लोग मुझे, मैं इसके पीछे जा रहा हूँ। अरे मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये मैं कहाँ खड़ा हो गया, अब बोलो फालतू। ले मुंह पे तीर मार दिया उसके, एक सेकंड रुको इसको बताता हूँ अभी। रॉबिन को ना इसके मुंह पे फेंक देता हूँ, अब बोल बेटा फालतू। अबे ये क्या हुआ, मैं वहाँ पे खड़े खड़े मर गया, ये कुछ अलग था भाई। वेट अ सेकंड, मुझे रिस्पॉन होना है, मैं होता हूँ बेस पे पहले। एक काम करता हूँ, मेरे पास ये जो पोकेमोन है नाइट विंग, इसको यहाँ रख देता हूँ, ये मर चुका है। डायर आउल को ले लेता हूँ एंड अभी मुझे फास्ट ट्रेवल करके जाना है भाई। कहाँ मरा था मैं, यहाँ पे मरा हूँ, तो नियरेस्ट मेरे यही एरिया है। ओ भाई यहाँ तो रात में खतरा है, रुको मैं सुबह आऊंगा। सॉरी गाइस, मैं जा रहा हूँ भाई सॉरी, गलती हो गई भाई, पागल हो गया यार ये लोग। एक बार सो लेते हैं भाई, मैं नंगू पुंगू रुका हूँ, मेरा सारा सामान वहीं पे पड़ा हुआ है, वो लेना है मुझे पहले। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत टेंशन हो रही यार मुझे अपने सामान की। एक नया इसमें से वो निकला यार, रुको, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, क्या निकला है, ओह सीयू वाज बोर्न, ये कोई नया ही पोकेमोन है, देखने में कैसा है। इसको यहां उतार दिया, ये क्या है भाई, छोड़ो टाइम पास है। वैसे टाइम पास से याद आया, मेरा एक नाइट विंग मरा था तो क्या हुआ, मेरे पास दूसरा नाइट विंग भी है भाई। तो पहले मुझे फास्ट ट्रेवल करके अपनी डेथ लोकेशन के एकदम नियर जाना है, और अभी मैं अपना दूसरा नाइट विंग यूज करता हूँ उस पे राइड करने के लिए। तो मैं मरा था वो सामने वाली साइड पे कहीं पर, तो जहां पर धुआं आ रहा है ना उधर की कहीं। भाई नाइट विंग है इसीलिए मैं जल्दी जल्दी पहुंच जाऊंगा, वरना तो यार काफी दूर था। वैसे वो देखो वहां पे जहां जल रहा है उधर है भाई, ये कोई डिफरेंट पोकेमोन है यार, देखो इसमें से कैसे आवाज आ रही है और ग्लो निकल रहा है, और ये साइज में भी थोड़ा बड़ा है, क्या डिफरेंट है, मारूंगा इसको। इसे इसे विंड कटर मारते हैं, ले ये ले, ओ मुझे मार रहा भाई। अरे अरे इसके बंदे लोग मारने लग गए भाई, रुको 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 रुको, आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ। अरे आर्मर वार्मर नहीं है भाई, मर जाऊंगा भाई, रुको रुको रुको, एयर कैनन की तरफ भागता हूँ मैं यहाँ पे एक बार ना उतर रहा हूँ, मैटर खराब हो गया ज्यादा, और मैंने भेजा कुछ डेंजर बंदा, जो फालतू बोला ना बेटा, जा भाई मुसांडा लग सबके करंट लगा दे भाई। ये इस बंदे को ना हल्के में ले रहा है, ये पिटेगा देखना अभी। बोल फालतू बोल, हो गया अब बोल, और मार इसको समझ नहीं आ रही, इसके मुक्का मार दूं मैं, चल तू मार भाई, यार तू डेंजर है यार बहुत ज्यादा, ये कुछ ज्यादा खतरनाक इलेक्ट्रिक पोकेमोन है यार, सबको मार दिया भाई इसने, और मेरा सामान ऊपर पड़ा हुआ यार, मुझे वापस वहां तक चढ़ना पड़ेगा, मैं गलती से गया था यार। यूं जंप मार के यूं सामान उठा के ले आता हूं बस, पहले सारा मेरा सामान है भाई, चलो सब मिल गया। अबे ये उड़ता उड़ता भी रहता है, क्या है ये देखो, ओ भाई लेवल 16 हो गया इसने, पता नहीं किससे पंगा ले दिया। एक और मार, एक और खत्म, जीरो भाई जीरो कर देता मार कूट के। ये क्या घूम रहा है यहाँ पे, मुसांडा भाई इनको भी मार दो थोड़ा सा, ये घूम रहे हैं ना छोटे छोटे से, हाँ इनको ही कह रहा था मैं, वेरी गुड।
थोड़ा सा और मार दो, ज्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं मुझे कैप्चर। तुम जिंदा मार रहे हो यार। नहीं यार ये गलत बात है मुसांडा भाई। यार ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक पोकेमोन मिल गया मुझे, मतलब एक नहीं मुझे दो बहुत ज्यादा डेडली पोकेमोन मिल चुके हैं यार। अरे अरे नीचे चला गया किसी को मारने, वो देखो ये बुरी तरह मार रहा है यार। देखो तो कैसे पानी में जा रहा है, ये मार दिया यार। बच्चों पे तो दया खा यार। चलो खैर इसका तो चलता ही रहेगा। मुझे सामने ना दो एग दिख चुके हैं, मैं सोच रहा हूँ नाइट विंग लेके वहां पर चलते हैं और इसको मैं अपने साथ रखूंगा तो मुझे किससे डरने की जरूरत नहीं है भाई। ये सबको उड़ाता रहेगा बेमतलब ही। मुसांडा भाई आपकी लड़ाई खत्म हो जाएगी तो आप आ जाओगे? पता नहीं भाई, देखना क्या कर रहा है भाई, वो वहां सबको मार रहा है। अरे तू उससे लड़ना जाके, मुझ पे कहां रहा है भाग के, पड़ा ना तीर मुंह पे अब सीधा। चलो बस बस आपका थैंक यू, आप बाद में आना भाई, सबको मार देगा वरना वो। अब मैं चलता हूँ यहाँ से सीधा ऊपर एक बारी, क्योंकि पहाड़ के ऊपर दो तीन मुझे एग दिखे थे भाई। एक तो ये रहा, एक इसके ऊपर भी पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा ऊंचे माउंटेन है यार। थक गया थक चुका है। अरे गया नीचे भाई। ओ वेट, ये मैं एक और नए एरिया में आ चुका हूँ, यहाँ पर भी पोकेमोन बंद है। रुक जा भाई, फाइट के लिए ना पहले मुझे इनसे उतरना है। फाइट करने के लिए अपने पास नाइट विंग, तू मत जा, तेरे बस की नहीं है। मुसांडा को भेजेंगे, अभी बताएगा सबको। हाँ भाई कौन फालतू बोल रहा है, अंदर ओले बेटे, अभी आ चुके हैं गैंगस्टर अड्डे में। मुसांडा भाई या देख, ओए पागल बनती मत करो, ले पड़ी हो गया, फालतू नहीं बोलने का बीच में। अब मुसांडा भाई बचा यार इन लोगों से, देख फालतू बोल रहे हैं, अभी देगा इनके अंदर। तू आ बेटा, तेरे को कैप्चर ही कर लूँ मैं। कैप्चर होएगा यार, ओए हो गया शायद से, हो गया। ओ लेट्स गो, मैंने एक सिंडिकेट कैप्चर कर लिया भाई। वेरी वेरी गुड भाई, सबको मार दिया। और मुझे यहाँ से क्या मिला पोकेमोन, एक न्यू पोकेमोन, नहीं ये कोई अलग है वे, तो मुझे देखा लग रहा है, बट शायद से मेरे पास है नहीं है। क्या नाम है इसका, लिफमंकी तो है यार, तो बहुत कॉमन है। क्या यार एकदम टाइम वेस्ट हो गया मेरा तो, इधर आके पूरा टाइम बर्बाद। क्या मुसांडा भाई क्या कर रहे हो तुम भाई, सही बता रहे हो। एक तो जब से मेरे साथ आया ना मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा बूस्ट हो गया, मुझे लग ही नहीं रहा कि मुझे कोई मार सकता है। बाकी एक सेकंड, यहाँ पे तो चेस्ट मिल गई भाई, बहुत बढ़िया वाली, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें मिल गई भाई चेस्ट से। मैं सोच रहा हूँ कि मुसांडा मैं अपनी टीम में दो रख दूं, इसके जैसा एक और मिलेगा ना भाई उसको भी पकड़ लेंगे। बट यार मुझे मिलेगा कैसे, ये तो उन्होंने पिंजरे में बंद करा हुआ था इसलिए मिल गया मुझे लकीली। खैर अभी मुझे ना सामने उस वाले एरिया पे चलकर देखते हैं वहां पे क्या है। तो नाइट विंग चाहिए होगा, आजा नाइट विंग, मेरे को बैठा ले अपने ऊपर। भाई सही में यार अभी लाइफ देख रहे हो कितनी ज्यादा शॉर्ट हो गई है। कहीं पर भी जाना है इन पोकेमोन्स का यूज करो, उड़ के जाना है उड़ के जाओ, चल के जाना है चल के जाओ, तुम्हारी खुद की मर्जी भाई। ओके लेट्स गो, नए एरिया में आ चुके हैं। नीचे हो जाता हूँ थोड़ा सा ताकि जल्दी जल्दी उड़े। सामने एक टेलीपोर्ट पॉइंट है, वहां पे चलते हैं, उसके थ्रू मैं थोड़ा फास्ट ट्रेवल करवाऊंगा यार। चलो तो ये है अपना न्यू फास्ट ट्रेवल, इसको अनलॉक कर लेते हैं। और ये जो नए एरिया का चर्च है यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ओके उतर के देखता हूँ अंदर मुझे मिला है, ये किस चीज का होता था स्टैचू, में नाम भूल गया, एनहेंस प्लेयर स्टैट्स, ये तो मैं नहीं कर सकता, बट मैं अपने मुसांडा भाई को जरूर अपग्रेड करना चाहूंगा। मेरे पास अभी भी नहीं सोल नहीं है, ये जो सोल मिलती है ना इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं, ये मेरे पास पड़ी है बट सारी की सारी उसमें घर पे है। चलो चलो तुम भी, मुझे एक सोल मिल गया है, मैं इसका हेल्थ और अटैक बढ़ा सकता हूँ, मैं हेल्थ इसकी बढ़ा देता हूँ। अरे अरे भाई नाइट विंग से लड़ाई होगी उसकी, नाइट विंग की हुई है, सॉरी किससे हो गई, अरे बच्चे मार रहा है यार नाइट विंग, तू क्या इज्जत है तेरी। अब बैठा मुझे लेके चल कोई बढ़िया जगह। देखो भाई अगर उड़ने वाला कोई पोकेमोन आ चुका है जिसमें मैं बैठ सकता हूँ तो सब लोग चलो, मैं कितना सारा एरिया कितनी जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करूंगा। अभी सामने एक और एग मिल चुका है मुझे, ये भी ले लेते हैं। तो आज तो हमने भाई बहुत सारा एरिया घूमा है, बट मैप अभी बहुत बड़ा है, काफी एरिया एक्सप्लोर होना बाकी है। मैं अभी तक वो दूसरी वाली साइड पे नहीं गया हूँ, आज एक बार चल के चक्कर काट के आते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है वहां पर कोई बॉस पोकेमोन है। वो देख रहे हो जो नीला वाला एरिया है, वो इंडिकेशन एक बॉस पोकेमोन का है। ये थक चुका है, नीचे गिरने वाला है थोड़ी देर में, ये देखो थक जाता है यार बेचारा उड़ के भी। टोर्नाडो अटैक काफी बढ़िया है बट यार इसका देखो, पहले ऐसे जाता है फिर उसके बाद खुद इतनी तेज उड़ता हुआ जाता है। वो वेट मैं नए एरिया में आ चुका हूं, बट पानी में मुझे देखो क्या दिखा भाई, पानी में कोई मोजरीना करके पोकेमोन है, इसको भेज दूंगा पानी में जाके लड़ेगा क्या। एक मिनट रुको, अगर मैं इसको मारूं ऊपर से, अरे ये तो वीक पोकेमोन है, ऐसे पकड़ लेते हैं। अरे भाई 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 अटैक कर रहा है क्या तू, ज़्यादा अटैक करेगा, अभी बताते हैं इसको, रुको। टोर्नेडो अटैक जब इसे मिलेगा ना तब इसको अकल आएगी, बोल फालतू। अरे अरे ऊपर से निकल गए हम तो, रुको ओए बदतमीजी कर रहा है यार, अभी बदतमीजी पे आ गया, रुक जाओ इसको बताते हैं अभी। जाना भाई सुन भाई तू जाए से, अरे भाग गया, ओए नहीं मार रहे आजा भाग गया भाई वो, छोड़ो तेरे को बाद में पकड़ेंगे। अरे यार मैं ज़्यादा डरा दिया भाई, गंदी बात होगी ये तो। खाना खा लेते हैं भाई, पहले सबको खाना खिला देता हूँ। तो अपना न्यू टेलीपोर्ट हमें मिल चुका है फास्ट ट्रेवल के लिए, ये से भी अनलॉक कर लेते हैं भाई। आज तो हमने बहुत सही स्पीड में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है। बाकी सुन भाई थोड़ा सा हाथ साफ करके आजा, तेरे दोस्त यार घूम रहे हैं, देखना भी क्या मारेगा इनको, तीन चार सेकेंड में सब ढेर हैं। क्या दिन हुआ करते थे जब मैं इनसे इतना डरता था। अरे 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 क्या हो गया भाई,
क्या दिक्कत आ गई आपको? चलो यहाँ से निकलो। अरे भैया ले रहे ना पंगे, देख ले फिर, फालतू मत बोल। अरे मुसांडा भाई क्या कर रहे हो, तुम्हारे रहते देख लो मुझे पे अटैक कर रहा है वो। अभी बताएगा ऐसे, ख़त्म है बस यार। चलो टाटा बाय बाय, एक और दो इसमें। हाँ निकल यहाँ से, फालतू नहीं बोलने का। मुसांडा भाई हूँ साथ, तो डरने की क्या बात। नाइट विंग को भेजता हूँ भाई। ये क्या है भाई, एक और न्यू फ्लाइंग पोकेमोन। जा रुको रुको रुको, इससे लड़ना है, उसे इससे लड़ना है। मारो इसको, मारना चालू करो सीधा। अरे यार ग्राउंड पोकेमोन है, बढ़िया तरीके से लड़ नहीं पाएगा ये भाई, मरना जाए वो। अरे ये तो बहुत कमजोर पोकेमोन है, वापस आ तू, मार देगा। अरे तू भी वापस आ, ये भी मार देगा। मुझे कोई हल्का पोकेमोन भेजना होगा इससे लड़ने के लिए। बस 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 वापिस आ जा, मैंने उसे कैप्चर कर लिया भाई। एक और फ्लाइंग पोकेमोन आ चुका है भाई। जिस हिसाब से इसका साइज था ना, मैं पहले देख के डर गया था, बट अभी मैंने एक और तगड़ा पोकेमोन पकड़ लिया है। काफी वीक था यार ये, बट देखने में बहुत कूल था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पोकेमोन का अगर मैं लेवल अपग्रेड करूंगा तो शायद से और पावरफुल हो जाएगा यार। बाकी यहाँ पर कोई तो बॉस पोकेमोन रहता है, पता करते हैं कौन सा बॉस पोकेमोन है, कल आके उससे भी फाइट करेंगे भाई। अभी अपना जो नाइट विंग है वो तगड़ी तगड़ी स्किल सीखता जा रहा है भाई, थोड़ी बहुत फाइट ही करवा रहा हूँ, सब सीख रहा है। और थोड़े टाइम में वो बहुत पावरफुल हो जाएगा, मैं श्योर हूँ। मैप में दिखा रहा है इस जगह पर है, तो इधर है बुशी नाम का कोई पोकेमोन जिससे हमें अंदर जाके फाइट करनी है। बहुत सारे ऐसे बॉस फाइट बचे हैं जो कि मैंने अभी तक नहीं करे, बट हाँ कल हम लोग सारी की सारी बॉस फाइट निपटाने वाले भाई। मतलब निपटाने मतलब जीत कर आने वाले, क्योंकि तुम्हें तो पता ही भाई अभी अपनी गैंग कितनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। वैसे गैंग वैंग छोड़ो, ये क्या है भाई, ये पापा की परियां कहां से आ रही है सामने भाग के पिंक पिंक। अरे मार दिया से, ये किसने छेड़ी भाई लड़की, इधर आई हो तू, बदतमीजी करेगा तू। इसको कैप्चर कर लू क्या, रुकना जरा, इसकी फाइट होने दो, मैं इसे कैप्चर कर लूंगा। एक तीर देके इसकी हेल्थ कम, अरे मर गया है तो। रुक जाओ यार, तुम जाके यार बताना जरा, मामला खाली करो थोड़ा सा। अरे यार तुम पागल हो भाई, टॉम तू जा हैंडल कर थोड़ा सा मामला, थोड़ा बहुत ही मारना आराम से, अपना दोस्त वोस्त समझ के लड़ाई कर यार, तू सीरियस हो जाता टॉम। बस 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 आजा, तू आजा कैप्चर हो, वरना और पिटाई होगी, चुपचाप कैप्चर हो जा। अरे गलत डिसीजन, अरे बहुत ही गलत, मर गई, वाह यही होना था। मेरे पैल स्फेयर मतलब मेरी पोकेमोन बॉल में अगर कैप्चर नहीं हुए तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करवाता है वो भाई, मौत दिखा देते हैं अगले दो मिनट में। वैसे वो सब ठीक है, सामने एक और नया पोकेमोन दिख गया भाई, ब्रोन चेरी। मैं सही बता रहा हूँ, आज मैं इतना एक्सप्लोर कर चुका हूँ कि मैं बस जाता ही जा रहा हूँ, नए नए बंदे ढूंढता ही जाता हूँ। ब्रोन चेरी से फाइट करवाते हैं भाई इसकी, मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है ब्रोन चेरी मारेगा भाई, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है भाई, बस ब्रोन चेरी है पावरफुल है। ब्रोन चेरी को मुझे भी मारना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। अरे नहीं कुछ पावरफुल नहीं भाई, ढेर कर दिया इसने। देख सुन मुसांडा लक्स भाई, पूरा मत मारना, उसे कैप्चर वैप्चर भी करना होता है, दोस्त बनाएंगे इसको, ध्यान से समझो ये सब काम की बातें हैं। बढ़िया बढ़िया, बस 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 बस, ज़्यादा नहीं बस बस, वापस आ, मार देता भाई अभी इसको, मैंने कैप्चर कर लिया, आ गया लेट्स गो। अरे नहीं आया यार, मेरे मेगा स्फेयर तो यूज़ कर लिया, ये कैप्चर नहीं हो पाएगा, प्लीज़ कैप्चर हो जाए यार। आ गया 40, ओ लेट्स गो, शुक्र है मैंने एक और ट्राई करा वरना वो कैप्चर नहीं होता। सामने एक और मुझे उड़ता हुआ पोकेमोन नजर आ रहा है, वेनविम। आई थिंक मैं वेनविम को कैप्चर कर चुका हूँ, हाँ ये तो नॉर्मल है भाई, अभी जिसको पकड़ा था उड़ता हुआ वो सेम ही है ये वाला। वेनविम भाई कहाँ पर हो आप? हाँ मैं आपके भले के लिए बता दूँ, चुपचाप मेरे से पिटाई खा लो ठीक है, वरना तुम्हें पता ही है मेरे पास बंदे की फौज कितनी खतरनाक है। ये लो, अरे 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 तुम्हें नहीं समझ आ रहा, तुमने अब गलत पंगा ले दिया, अब मार पड़ेगी। अरे अरे पिटाई तो हो गई भाई इसकी, अब मार दे, मार इसको पूरा, मार इसको, अब निकल यहाँ से, चला जा वापस। हमसे चौड़ा हो रहा है भाई हमसे। चल भाई आज हम लोग बहुत ज्यादा घूम ले, वापस चलते हैं नाइट विंग पे बैठ के। हमें सबसे पहले जाना है एकदम नियरेस्ट कोई, ओ वेट नियरेस्ट छोड़ो, यहाँ पर एक और पोकेमोन दिख गया भाई, हम लोग बहुत ज्यादा घूमाघामी कर रहे हैं आज। रुक जा नाइट विंग, तू वापस आ, इनको मैं मिलवाता हूँ इनके नए दोस्त से। जा मार के आइयो भाई इनको, कैप्चर वैप्चर कर ले जरा। अरे पानी से डर रहा है, अच्छा अच्छा वापस आ जाओ, पानी का पोकेमोन नहीं है तो चला इसे ऊपर से ही मारते हैं ना फिर, ये तो बेचारे नीचे तैरते ही रह जाएंगे, मैंने लपेट दूंगा। डर के भागने की जरूरत नहीं है, इधर आ जा। अरे 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 कैसे भाग रहा है, दिख 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 कैसे भाग रहा है, चार चार है यहाँ पे ये लोग, बेटे कहाँ भागेगा, रुक जरा उधर भाई, वो अपने ग्राउंड एरिया पे आ चुका है, यहाँ से मुझे मारेंगे ये लोग मुझे लग। भाई ज्यादा शाणे नहीं बनना, बंदे भेज दूंगा भी अपने, अबे शेर की आवाज निकाल ले तो ये पिटा, मैं मार दूंगा भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ, ये मेरा लास्ट चांस है जो तुम्हें मैं दे रहा हूँ, मेरे पे अगर हमला हुआ मैं बता रहा हूँ भाई छोड़ूंगा नहीं एक को भी। अरे नहीं समझ आ रही, अब पिटे तुम, जा भाई मुसांडा भाई बता दो इन्हें तुम क्या चीज हो, इसको तो मैं देख लूंगा, बस करो उसे मत मारो, कैप्चर कर रहा हूँ। अबे कहाँ चला गया, अबे उसे कहाँ भेज दिया, वहाँ क्या कर रहा है ये, मैं मरने वाला हूँ वैसे, मैं मरने वाला, पिटेगा ये, पिटेगा ये, बहुत गंदा पिटेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया,
ये पिट जाएगा भाई, मुसांडा अकेले मार जाएगा सबको। उसको कैप्चर करने के चक्कर में और मैं पता नहीं इधर उधर देखने लग गया और मैं मर गया। बट ठीक है, कोई डर नहीं मारा है मुझे, मैं जहाँ पे मरा हूँ ना वहाँ से मैं बहुत ज़्यादा पास में हूँ। बस रुक जाओ, तुम इसको ऐसा पीटूंगा ना भाई। मैं वापस से यार अपने वाटर पोकेमोन लाना भूल गया, वरना उसको मैं बहुत गंदा मारता यार। उसको लग रहा है वो पानी का राजा है। अभी बताते हैं उसको कौन है वो भाई। ये कहाँ घूम रहे, दो दो भाई। देखो पंगे वंगे लेने की मेरे से जरूरत तो है नहीं, तुम्हें पता ही है तुम्हारा क्या हाल कर दूंगा मैं। और कौन फालतू बोला था मेरे से जरा आना, फुल एचपी में हो बेटा। जाओ भाई मुसांडा, अब पीटो अच्छे से इनको। अरे अरे अरे, मैटर हो गया, चार चार बंदे मार रहे हैं भाई मेरे बंदे को। वेट 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 वेट, गलत सीन हो गया भाई, थोड़ा सा ना एक बार ही रुक जाओ। नाइटविंग मेरे को बैठा अपने ऊपर, इनको देखता हूँ मैं बाद में। बहुत अरे बहुत गुस्से में भाई नाइटविंग, क्या हो गया, इतना खतरनाक तू है नहीं जितना तू चोड़ा होगा, पिटाई हो जाएगी यहाँ पे। बस 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 बस, तुम दो मिनट रुक जाओ बस, इनको तो मैं बताता हूँ अभी। उतर उतर, अब आओ बेटा, अब बोलो फालतू। इनका परदादा भेज दिया मैंने, अब पिटेंगे बहुत गंदा। कौन आ रहा था बेटा अटैक करने, आना जरा। निकल लिए भाई निकल लिए, बट भागने नहीं दूंगा मैं, मार के जाऊंगा तुम्हें। पकड़ इनको पकड़, चल उनको मार दे, कोई बात नहीं, खत्म बेटा खत्म, तू मर गया सीधा, हमसे बिड़ेगा ये। मार इनको भी, अबे तू इससे पिटने का, मैंने तेरा इससे पिट ले भाई। गलत बंदे को मारा इसने, पिटा। देखो गाइस, आई नो काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, बट अभी ना बात आ चुकी है ईगो पे। इन्होंने ना मेरे को बहुत गलत अटैक करा मेरे पे, पिटेंगे अबे, पिटना पड़ेगा भाई आज। मुसांडा भाई मार दिया, बहुत सही, मार इनको, इसको भी मारिए रा, इसको ट्राई करियो कैप्चर कर ले, से घर लेके चलेंगे। पूरा मत मारियो उसे। अरे भाई तू पागल है क्या यार, पूरा मार दिया इसने। छोड़ो, मैंने बताया ना मुसांडा है थोड़ा खतरनाक, वो नाम से ही खतरनाक है भाई, उसका नाम ही काफी है। अभी बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका है, सीधा चलते हैं सोने के लिए। आज का दिन हमने बहुत ज्यादा बंदे कूटे भाई, मजा आ गया, गलती से मरा था मैं। डन गाइस, तो वापस आ चुके हैं घर पे, एक बार चलते हैं सोने के लिए और सो ही जाते हैं फिर। बाकी यार बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है मुझे तो, आई होप आप लोग को भी इस सीरीज में बहुत मजा आ रहा होगा। आज तो मुझे यार देखो फुल मैं चौड़ से कह सकता हूँ बहुत कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। बहुत मस्त पोकेमोन की गैंग बन चुके हैं भाई, बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोकेमोन आ चुके हैं अपने पास। अभी जो अपनी नई गैंग बनी है पोकेमोन या अपने पैल्स की, उनमें से आपका कौन सा फेवरेट है नीचे कॉमेंट में जाके जरूर बताओ। मैं सही बताऊँ तो देखो खतरनाक तो सारे ही है, बट मुसांडा भाई की बातचीत अलग है यार। पहले मैं हर फाइट में ना टॉम को भेजता था, भाई टॉम के बस की नहीं है भाई, उसमें जो वो हो गया, नए एरिया में उसकी नहीं चलनी भाई, नए एरिया में ऐसे बड़े बड़े पोकेमोन चाहिए होंगे। वैसे सही बताऊं तो साइज से फर्क नहीं पड़ता है, हर पोकेमोन की ना एक अटैकिंग पावर का सीन है। जैसे मुसांडा जो है वो एयर अटैक कम करता है, वो ग्राउंड अटैक पे बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो मेरे हिसाब से पानी में भी उतना नहीं चलेगा, बट ग्राउंड पे भाई मुकाबला ही नहीं है, बहुत खतरनाक इलेक्ट्रिक पोकेमोन है। तो मेरा तो वो फेवरेट बन चुका है, आप लोग का कौन सा फेवरेट है जाओ बता दो कमेंट में। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो जाके लाइक कर दो, इस वीडियो पर एम करते हैं 400,000 लाइक के लिए, तो जाओ फटाफट से मुसांडा भाई के लिए 400,000 लाइक कंप्लीट कर दो। कमेंट में भी नाम लिख देना भाई अपने मुसांडा भाई का, तो जाओ लिख दो यार कमेंट्स में मुसांडा ओपी। तो जाओ भाई एक बारी कमेंट्स में लिख दो नीचे मुसांडा ओपी। भाई इस पोकेमोन ने बहुत हेल्प करी है, सारे रिवेंज ले डाले जिन्होंने मुझे मारा था। बाकी एक और चीज, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो नीचे एक प्यारा सा ना सब्सक्राइब का बटन है, उसे फटाफट से जाके दबा दो, क्योंकि भाई हमें नेक्स्ट मंथ कुछ भी करके 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है, तो हिट कर दो भाई। बाकी ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Yeah.